रघु जी, तुम घर निकल जाना, मैं निशा के गाड़ी में आ जाऊंगा। जी मैम साहब। आंखें बंद करो। क्या? पहले बंद करो। क्यों? बंद सिद्धू। ओके ओके, ये लो। ये क्या है? क्या तुम भूल गई आज कौन सा दिन है? कौन सा? पूरा एक साल हुआ है हमें मिले। एक साल? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तो पता है जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी ना, तब तो मुझे मारने वाली थी। इशारा हुआ शरारत हो गई, मोहब्बत हो गई। चाहत हो गई, मोहब्बत हो गई। पहली बार जो देखा मुझे तुमसे हुई नफरत, कब कैसे मोहब्बत हो गई। हाँ मुझे तुमसे था जाने मन ना, बेख्याली थी ना था ये दीवानापन। मुझे तुमसे हुई नफरत, कब कैसे मोहब्बत हो गई। हो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मोहब्बत हो गई। और चूंकि इनकी कोई एक्सपायरी
नानी, मम्मी डैडी कब आएंगे? आएंगे 2 महीने बाद। 2 महीने बाद क्यों? अब अमेरिका गए हैं भाई। क्यों, याद आ रही है बहुत? हाँ। हाय, टीवी देखेगी? अरे अन्नू, कहाँ थी इतनी देर लगा दी? निशा के घर मम्मी। निशा के घर? लेकिन वो तो दिल्ली गई है ना? दिल्ली? दिल्ली ऑफ कोर्स मम्मी, निशा तो दिल्ली ही गई है। नीता, नीता कहा मैंने? ये नीता कौन है? क्लासमेट है मेरी मम्मी। क्या ये कौन है, वो कौन है? बच्चे, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हेलो, तू भाग रहा है, 10 बार तुझे बोला। हाँ जय, मीनू कैसी है? कौन? पिंकी, तेरे पापा का फोन है। हाँ हाँ, बंटी और नताशा दोनों ठीक है अपने नाना नानी के पास? हाँ, उन्हीं की हम उम्र की है ना। मेरा हाय कह, अन्नू तुम्हारे को हाय कह रही है, सारा दिन धमाल मस्ती करते रहते हैं वो। हाँ, अन्नू की शादी की बात तो चल रही है, एक लड़का भी देखा है, वो मेरा दोस्त है ना टंडन, दीपक टंडन, उसी का बेटा, उसने अमेरिका में MBA किया है, अब यहाँ आकर अपने पापा का बिजनेस संभालना चाहता है। हाँ, आई नो बेस्ट फॉर माई डॉटर्स। हाय। हाय अन्नू, आई कांट बिलीव इट, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, तो बस बोलो। सिद्धू मजाक छोड़ो, पापा शादी कर देना चाहते हैं मेरी। तो प्रॉब्लम क्या है अनु, यही तो हम चाहते हैं। पापा मेरी शादी पवन से करना चाहते हैं सिद्धू। कौन पवन? वो उनका एक दोस्त है, उनका बेटा। तो अब क्या करें? यही तो समझ में नहीं आ रहा अनु। मैं तुम्हारे पापा को सब कुछ बता दूंगा। क्या बताओगे पापा को? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं बस, आगे क्या? हमारा फ्यूचर, तुम्हारा करियर, उसके बारे में क्या बताओगे? क्या मतलब? मतलब ये सिद्धू कि मेरे अभी रिजल्ट्स आने वाले हैं, तुम कॉलेज ड्रॉप आउट हो, बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे हो, और वो पवन है, MBA है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, पता नहीं क्या क्या, वो सारे क्वालिफिकेशन है उसमें जो पापा चाहते हैं। सिद्धू क्या बात है, क्या सोच रहे हो, कुछ तो बोलो। देख अनु, मैं जो हूं जैसा हूं तेरे सामने हूं, अगर तू ये बोले कि मैं किसी से कंपटीशन करूं तो। अरे मैंने कब कहा कि तुम किसी से कंपटीशन करो? तू कहे या ना कहे, मतलब वही है। मतलब वही है? क्या मतलब वही है? देख अनु, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार। इसके सिवा मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं या नहीं मुझे नहीं पता। तो अगर तुम ये समझती हो कि वो लड़का तेरे लायक है तो ये फैसला तुम्हें खुद करना पड़ेगा। तो तुम क्या सोचते हो सिद्धू, मेरे लायक कौन है कौन नहीं, क्या मैं नहीं जानती? और फिर जितना प्यार तुम मुझसे करते हो ना, उससे 10 गुना ज्यादा प्यार मैं तुमसे करती हूँ। दोबारा कभी मुझसे ऐसी बात मत करना। वो तो मैं तुम्हें घर में क्या हुआ बता रही थी बस। और फिर सिद्धू ऐसी बात नहीं है कि पापा मेरी खुशी नहीं चाहते या जबरदस्ती मेरी शादी कर देना चाहते। वो तो ये समझते हैं कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है सिर्फ वो जानते हैं। तो मुझे एक बार उनसे बात करनी पड़ेगी बस। और पता है, मैं, पापा, मम्मी और दीदी के बच्चे, हम लोग सब हॉलीडे पर जा रहे हैं। वहां पर मौका देखकर मैं उनसे बात कर लूंगी और उन्हें मना भी लूंगी। अनु तुम हॉलीडे पे जा रही हो, मुझे बताया तक नहीं। बता दी तो तुम जाने देते? अनु तुम भी ना। क्या तुम भी ना? वैसे भी सिद्धार्थ मिश्रा कुछ ही दिनों की बात है, फिर पापा से बात करने के बाद तो जिंदगी भर मुझे झेलना पड़ेगा। हसो हसो ना। वैसे तुम लोग जा कर रहे हो?
हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं? माँ लक्ष्मी का डैम, शीतला देवी का मंदिर, मगर सबसे पहले गुल्लरपुर के जंगल बेटा। जंगल एनिमल्स होंगे वहाँ? तो क्या नहीं होंगे? क्यों? तुझे कैसे पता? कॉमन सेंस यू स्टूपिड। कॉमन सेंस स्टूपिड। चुप 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 हो जा दोनों। वापस घर जाना है कि नहीं, वरना जंगल में छोड़ दूंगी। ये है रिसॉर्ट। जंगल में और कैसा रिसॉर्ट मिलेगा बेटी? नैना वो देखो कोई आ रहा है। वेलकम सर टू टाइगर रंच। आए दोराई स्वामी रिजल्ट ओनर से। भोंगा सामान उतारो। कम सर। जंगल में डेंजर रहता, बोले तो जंगली एनिमल। तो क्या हुआ, एनिमल ही तो देखने आए हैं। करेक्ट, पर एनिमल को इन्फॉर्म करके तो नहीं आना। उसको लगता तुम उसको मारने को आया तो वो तुम पर अटैक करता है। तो क्या हुआ, मैं भी उसे गन से शूट करूंगा। अयो रामा, नहीं नहीं, एनिमल को गन से शूट नहीं करने का, कैमरा से शूट करने का। किससे? कैमरा से। सुंदर होता जानवर, उनका चलने का स्टाइल जैसा चीता उसका। ओ दोरा स्वामी, पाजी आधा घंटा हो गया दूध बोले को, दूध कहाँ है? जी क्या मेरा बॉय है ना, वो गोरा के लिए कॉफी लेने गया, बस अभी बेचता उसको। चंगा चंगा, अभी बेचता तो अब हाथी एलिफेंट उसका तो लंबा था। और वो Hey Durai, where's my coffee man? पापा लोग शादी क्यों करते हैं? मतलब? नहीं मेरा मतलब है खुश रहने के लिए ना। बहुत समझदार हो गई हो। तो इसका मतलब कि किससे शादी करनी है ये फैसला बहुत सोच समझ कर करना चाहिए ना? उसकी चिंता तुम क्यों कर रही हो, हमें ना तुम्हारा अच्छा बुरा सोचने के लिए। हाँ बिल्कुल, पर मैं कह रही थी कि अगर मैं किसी से हाय हाय पापा ये यहाँ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मिश्रा जी कैसे? हाँ मिस्टर टंडन वेलकम, हाउ आर यू? हेलो, ब्रेकफास्ट ठीक था? वंडरफुल, एवरीथिंग वाज नाइस। यहाँ का मैनेजर कौन है? आई दोराई स्वामी। हाय, वन सिंगल कॉटेज प्लीज। डेफिनेट सर। हाय हाय, हेलो पवन, माय फियांसे अनु। अनु चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा। सिद्धू तुम यहाँ आए कैसे? भूल गई क्या, तूने अपना प्रोग्राम बताया था, तेरे पीछे पीछे बस पकड़ी और आ गया। अनु तू जानती है ना मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। सिद्धू ये सब बस तुम ही कर सकते हो, पागल हो पागल एकदम पागल। हाँ हाँ पागल हूँ मैं, बस तेरे बिना नहीं रह सकता मैं। सिद्धू I'm so happy you're here. सच? सच। बिल्कुल सच? बिल्कुल सच से तू। Okay, give me a kiss. क्या? क्या क्या? Give me a kiss. कुछ नहीं मिलेगा किस किस? क्या क्या नहीं किया हूँ यहाँ आने के लिए? बस के धक्के, दोस्तों से उधार। I deserve a kiss, no? No. अनु? सिद्धू? सिद्धू? बोंगा। बोंगा। Sorry. I'm really sorry. Water tank problem, sir. Sorry. देखिए हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, उसके मम्मी डैडी को नहीं पता हमारे बारे में। No 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 explanation. I understand fully. उधर सिटी में life fast, but my jungle slow life. But this is very fast. Thanks. मल्होत्रा जी कम से कम साल में एक ऐसी पिकनिक जरूर होनी चाहिए।
टंडन साहब, हम तो ऐसे ही मौके ढूंढते रहते हैं, लेकिन आपका फुर्सत कहाँ है? अरे अब्बू, तो बिजनेस बिजनेस ओनली बिजनेस। अब तो बहाने ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, अब तो ना चाहते हुए भी मिलते रहना पड़ेगा। He seems a bit lost. यही तो हमारा बेटा, उसके बाद तो सारी जिंदगी होश में रहना पड़ता है। Are you from Canada? I'm from America, ma'am. Oh, are you married? No. No? Oh, then get married life, very happy life. My personal experience. ये आप हर टाइम मुंह क्यों लटकाए बैठे रहते हैं? तो क्या नाचूं? ऐसे नहीं बोल रही, पर कम से कम आदमी औरों के लिए थोड़ा मुस्कुर। खैर, मेरी गलती थी जो आपको हॉलीडे पर ले जाने के लिए जिद की। अंकल, एक मेरे को जितना कहानी आता मैंने बताया ना बेबे। प्लीज, अगर कोई भी एक कहानी लास्ट प्लीज, इसके बाद नहीं बोलेंगे। अभी मैं तुमको एक लव स्टोरी सुनाता। लव स्टोरी? हाँ। एक लड़का था, एक लड़की थी, थोड़ा गर्मी था, थोड़ा ठंडा था, चोरी चोरी मिलते जुलते, जुलते मिलते मिलते जुलते चोरी चोरी। फिर क्या हंगामा। हंगामा मतलब? बताता ना, आओ मेरे साथ। हो गया हंगामा, अयो अयो रामा, हो गया हंगामा, अयो अयो रामा, हो गया हंगामा। अयो रामा, हो गया हंगामा, चोरी से दिल मेरा जो कोई ले गया। अयो अयो रामा, ओ हो गया हंगामा, चोरी से दिल मुझे जो कोई दे गया। छुप के छुपा के अपनी आँख लड़ी है, रात है छोटी लेकिन बात बड़ी है। ओए कैसे बताऊँ कैसी मुश्किल घड़ी है, अगे जमाना पीछे दुनिया खड़ी है। अयो अयो रामा, अयो अयो रामा, ओ अयो अयो रामा, अयो अयो रामा। अयो रामा, हो गया हंगामा, चोरी से दिल मुझे जो कोई दे गया। छुप के छुपा के अपनी आँख लड़ी है, रात है छोटी लेकिन बात बड़ी है। ओ कैसे बताऊँ कैसी मुश्किल घड़ी है, आगे जमाना पीछे दुनिया खड़ी है। अयो अयो रामा, हो गया हंगामा, चोरी से दिल मेरा जो कोई ले गया। नशीला मधुरा समा है, चांदनी खिली है, चांद भी जवां है, कोई देखता है पलके झुका के, आया है कोई बच के बचा के। छुप के छुपा के अपनी आंख लड़ी है, रात है छोटी लेकिन बात बड़ी है। कैसे मुश्किल घड़ी है, आगे जमाना पीछे दुनिया खड़ी है। अयो अयो रामा, हो गया हंगामा, चोरी से दिल मेरा जो कोई ले गया। अयो अयो रामा, हो गया हंगामा, चोरी से दिल मुझे जो कोई दे गया। ए, देख रहा हम सब देख रहा।
असली न जाने कैसे दरमिया है। न दिन महीना न साल पूछो, दीवानगी का न हाल पूछो। हे छुपके छुपा के अपनी आंख लड़ी है, रात है छोटी लेकिन बात बड़ी है। कैसे बताओ कैसी मुश्किल घड़ी है, आगे जमाना पीछे दुनिया खड़ी है। अयो अयो रामा हो गया हंगामा, चोरी से दिल मेरा जो कोई ले गया। अयो अयो रामा गया हंगामा, चोरी से दिल मुझे जो कोई दे गया। छुपके छुपाके अपनी आँख लड़ी है, रात है छोटी लेकिन बात बड़ी है। कैसे बताऊँ कैसी मुश्किल खड़ी है, आगे जमाना पीछे दुनिया खड़ी है। अरे सुनो, इसमें इमली तो नहीं है? थोड़ा होगा सर, बट वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। ओहो, कम से कम हॉलिडे में तो एंजॉय कर लिया करो। तुम कर रही हो ना, बस। हेलो, हनीमून मनाने आ रहे हैं हम यहाँ पर। सिद्धू, एक फर्स्ट क्लास सूट चाहिए। हाँ, हनीमून स्वीट। हनीमून? हाँ हाँ, अपने हनीमून के बारे में सोच रहा था, सोचा कि आऊँ, अच्छी जगह है, शादी कर रहा हूँ ना अगले महीने। Very good idea. Excuse me, who is in charge here? I, sir. देखिए, हमें रहने के लिए एक अच्छा सा कॉटेज चाहिए. We are just married, you know. Yes, sir. First lunch, sir. हाँ, please. बुंगा, अभी अच्छा बिजनेस चलता है तुम्हारा, अच्छा पैसा कमा लेते होंगे तुम. सर, अच्छा चलता था, बट नाउ प्रॉब्लम सर, वाटर प्रॉब्लम, इकोनॉमी प्रॉब्लम एंड दुर्गा प्रॉब्लम. दुर्गा? कौन दुर्गा? वो डाकू सर. वो स्मगलर, वो डाकू दुर्गा नारायण है अभी भी? उसका कौन बोल सकता सरदार जी। अब क्या है, यहाँ पर तीन स्टेट का बॉर्डर जान होता, कभी स्टेट में जाता कभी उस स्टेट में जाता, अभी कभी आता कभी जाता, किसी को पता ही नहीं चलता है। But this is ridiculous. गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पर, एक आदमी को नहीं पकड़ सकती? सुना वो अमीर लोगों से बहुत नफरत करता है। अच्छा? खास तौर पे इंडस्ट्रियलिस्ट से। इंडस्ट्रियलिस्ट से? पर क्यों? वो क्या है ना, वो जंगल में रहता है, जंगल उसका घर है और इंडस्ट्रियलिस्ट जंगल काटते हैं। अभी उसने एक इंडस्ट्रीज के लड़के को किडनैप किया था, फॉरेन रिटर्न था वो, लंबा चौड़ा मॉडल टाइप। बेचारे को इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि आज तक वो हॉस्पिटल में पड़ा है। बहुत डेंजर आदमी है ये। वैसे आप क्या करते हैं? मैं सिद्धू, तुम मेरा पागल हो, पागल एकदम। पता है पवन का चेहरा देखा था, ऐसे डरा हुआ था कि वो डाकू बस अभी यहाँ पे आने वाला है। तब तो मैं मजाक कर रहा था अनु, लेकिन दिल की बात बताऊं, काश वो दुर्गा यहाँ सच में आए और उसे इतना मारे इतना मारे इतना मारे कि वो ये रिजॉर्ट ही नहीं इंडिया छोड़ के भाग जाए। सर, मैं तुम्हारा फीलिंग समझता, बट फॉर गॉड सेक ये मत चाहो कि वो राक्षस इधर को आए। वैसे दुर्गा है कौन? राक्षस, बिगिनिंग चंदन का लकड़ी काट कर बेचने से किया, बाद में आती को मारा दांत कमाते, रोड पर आते जाते ट्रक को भी लूट लेता है, फॉरेस्ट ऑफिसर पीछे पड़ता है उसको मार डालता है, पुलिस ऑफिसर जाता तो उसका डेड बॉडी मिलता है। डेंजरस स्टफ। लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है? सरकार मैडम क्या कर सकती है, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर पुलिस चाहे तो क्या एक आदमी को नहीं पकड़ सकती? इतना आसान नहीं है, कितना बड़ा जंगल कितना घना, 10 फीट का दूरी पर हाथी छिप जाता है। तुम जंगल में रास्ता भटक के 20 कदम अंदर चला गया, हो सकता है तुम घूम जाए, पर दुर्गा को जंगल का पत्ता पत्ता मालूम, कैसा ढूंढ पाएगा उसको कोई? हाँ, पर वो खाता पीता नहीं है क्या? खाता है। और उसके बाकी की जरूरत का सामान, गन्स वगैरह कहाँ से आती है? जंगल का आसपास का गांव का लोग। इसका मतलब ये गांव वाले भी उससे मिले हुए हैं? हाँ, अब कितना खतरनाक आदमी है, गांव वालों को जीना है, कौन ना करेगा। फिर यहाँ पर किसी को पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो क्या पुलिस भी उसके साथ मिली है? ऐसा नहीं है, पुलिस कोशिश कर रहा है, पर पुलिस का हर चाल का उसे पहले खबर मिल जाता है। वो कैसे? अब कोई बोलता है कि उसका इन्फॉर्मर है, कोई बोलता है क्या, उसका बारे में इतना अफवाह है, सच क्या है किसी को मालूम ही नहीं। अब शिवराज बोल के कोई नया अफसर आया है, देखते वो अब क्या करता है। Wow, this is beautiful. Beautiful. सिद्धू देखो तो। Yes. Wow. Wow, सिद्धू, कितना
कितना खूबसूरत है ना। भगवान हर चीज खूबसूरत बनाता है, पर इंसान सब कुछ बिगाड़ देता है। और बाकी का सामान सारी झाड़ियां चट्टान। मैंने कहा नहीं, मुझे जिंदा चाहिए। Don't!
चल हेलो साले को कुछ नहीं होगा ड्रेसिंग तो हो चुकी है कब आए मेरे घरवाले साहब दो घंटे में अस्पताल पहुंचोगे और दो दिन में घर चलो 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 बेटे स्ट्रेचर का लेके आ रहे हैं जाना दो फिर भाग निकला साला बास्टर्ड क्या करें सर हम कितने भी दबे पांव जाएं उसे पता चल ही जाता है घोड़े की नींद सोता है साला सिचुएशन क्या है वो लोग चार मरे हैं सर सिपाही तीन घायल और पांच मरे हैं शिट शिट ये सब बोला तो हाथ आया आते निकाल दूंगा साले की बचपन से लेके आज तक का अंदर बाहर सब निकल आएगा ले चलो चल। बेटा 10-12 किलोमीटर कह रहे थे किसका मंदिर है ये चितला देवी का मंदिर है बेटा बहुत पुराना मंदिर है कितना पुराना बहुत की भी कोई याद होती है ना बकवास बंद करेगा अब अरे दोराई ड्राइव गाड़ी रोको हेलो अरे दोराई तुम यहाँ क्या कर रहे हो वेट करता है कुछ सप्लाई शहर से आता अपन का पहचान वाला शहर से ट्रक में भेजता अपन यहाँ कलेक्ट करता फिर ले जाता आप कहाँ जा रहे हैं सर चितला देवी के मंदिर Goddess, very kind goddess. Big heart, small wish, big wish, all complete, sir. एकदम सब ठीक हो जाता। तो क्या अन्नू आंटी को भी ठीक कर देंगी? अन्नू? अन्नू को क्या हुआ साहब? अरे कुछ नहीं मामली सर में दादा इसलिए रुक गई है। इसको तो चपड़ चपड़ करने की आदत है। इसके साथ उलझोगे ना सारा दिन यहीं गुजर जाएगा। अरे अरे भाई। अच्छा भाई, बाय। मुझे सॉरी आई लव यू ओह या बट आई डोंट I love you more. आंखें देख कैसे घूर रहा साला बता दे नहीं तो बहुत मारूंगा लगता साला पत्थर का बना है दुर्गा नारायण का आदमी है थोड़ी बहुत जान तो होगी देख मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं एक सौदा कर लेते हैं दुर्गा का ठिकाना बता दो वादा करता हूं मैं तुम्हें छोड़ दूंगा राणा सर
मारना मगर कोई निशान मत छोड़ना। आज का जानवरों के राइट्स के बारे में अखबारों में काफी कुछ लिखा जा रहा है। रात भर चलने के बाद डेरा बैठा था, फिर तुम तीनों को शहर भेजा था रसद लाने। ठहर जाते 3 घंटे बाद पुलिस ने छापा मार दिया, ये मतलब हुआ? ए जद्दा जी शर्म है, बात मत कर, जो बोलना है बोल सीधा। तो सीधा सुन ले, तम में से एक खबरी है, अब बोल। यही होगा, ये धुन्ना। मैं चौधरी, ये याद है खंडियार में तलब लगी पे ना मिली तो जीप पे सांप का डंक लिया था इसने। बुरे मने तो ये पक्का दारूबाज। नना, ये बोतल के पीछे नहीं कर सकता इतनी हिम्मत, जरूर ये कलुआ बका होगा, इसी के चले है ज्यादा जवान। साले तेरा मतलब मन्ने मुख बरी की? तो अपने आप तो ना गए पुलिस तो क्या मन्ने बुलाए थे? ना हमने बुलाए थे। ज्यादा इंदिरा गांधी ना बने वहां से साली। ज्यादा आग बबूला होने की जरूरत ना है, नीचे रख आग। क्यों लखू, तू तो ना कर गया कहीं काम? ये बात है चौधरी, 8 साल घिसाई के बाद ये बात सुननी पड़ेगी तेरे राज में। 8 साल में साले इनाम भी तो 80 गुना बड़ा है कि ना चौधरी पे। वो सब छोड़, जो भी है इनमें ही। पर है कौन सा? कलवा लगे तने? नहीं चौधरी मैंने चौधरी भाई नहीं। जौन सा भी था अब ना है, चलो डेरा ठाओ। यहाँ तो पवन और उसके पेरेंट्स ने आके मैंने डिसाइड कर लिया है सिद्धू, मैं कल ही पापा से बात करने वाली हूँ। उनसे कहूँगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम ही से शादी करना चाहती हूँ। और अगर वो नहीं माने तो? तो मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। I love you. अब मुझे जाना चाहिए, पापा सोच रहे होंगे कि उनकी बेटी कहाँ चली गई। हमारी गली में बाबा हर तीसरे दिन इस पर बैठ कर आते हैं, हाथी देखा तो क्या देखा। आगे चलते हैं। वो तो क्यों, चलो भीम आगे बढ़ा, हाथी को बाय करो, कोई जानवर नहीं दिखने वाला। और लो जी बाय। देखो देखो पेड़ देखो। क्यों, पहली बार देख रहे हो क्या पेड़? इतने सालों बाद पहली बार हॉलीडे पर आए हैं, कम से कम अब तो एंजॉय करो। अच्छा भाई एक बात बताओ,
और कौन कौन सा जानवर मिलता है यहाँ पर? मिलने को तो बड़े खतरनाक जानवर मिल जाते हैं, बस किस्मत होनी चाहिए, अच्छी या बुरी। बंसी, शेर अगले पेड़ के नीचे खड़ा है तुझे हेलो बोलने के लिए। बॉयज कितने चुप और इरेट होते हैं। तो क्या गर्ल्स चुप और इरेट नहीं होती है? चुप, तू चुप, तू चुप। एक मिनट निकाल के बस करो, बस करो, बोलो वाला मुझे। बस स्टॉप इट, बस स्टॉप इट, बस स्टॉप इट। अब उसे कुछ नहीं बोलते, उसके पास मेरा चश्मा है, बस स्कूल में फिर झगड़ा करते हो। सिर्फ बातें ही होंगी या शेर चीते भी दिखेंगे? सर उसका अपनी तरह कोई टाइम टेबल तो होता नहीं, राजा है जंगल का। नथिंग लाइक दैट, मैंने डिस्कवरी चैनल में देखा है वो हमसे भी ज्यादा डरपोक होता है। तो क्या आप डरपोक हैं? अरे वो गिर गया नाना जी, वो गिर गया। पंकज, ए पंकज, क्या हुआ? फिसल गया। क्या वैसे? अरे भागो जल्दी, गाड़ी में बैठो। क्या हुआ? बाराती आ गए। चल रोटी का जुगाड़ कर, और लोड्डा इन सब की लाइन बना, सब वहां ले जा। क्या देख रहा है? चल चल भाई। तुम्हें पैसे चाहिए ना? बोल कितना? बोल भाई साहब, भाई साहब देखिए प्लीज, आप हमें छोड़ दीजिए प्लीज, हमारी अभी अभी शादी हुई है। देखिए मैं सच कह रहा हूं, मैं गांजा है? एक्सक्यूज मी, गांजा है? व्हाट इज ही सेइंग? ही इज टॉकिंग अबाउट ग्रास। नो सर, आई डोंट हैव एनी। देखो जी, डीआईजी पुरुषोत्तम दास का बड़ा आना जाना है हमारे यहाँ। चले ओ, दे देना सब कुछ। ओ भाई साहब, हम तो शुरू से ही बड़ी इज्जत करते हैं जी डाकुओं की। ओ सुनील दत्त के भी बड़े फैन रह चुके हैं जी हम। माई सेल मिस्टर च च चड्डा। जल्दी कर। शो मत,
शो की रिलीज मांग रहा है कल तक, वरना कहता हर रोज एक होस्टेज को मार देगा। देशु ने कुछ बताया? बात के साथ वो कितना भी मारो वो नहीं खुलता, और फिर मैं उसे इतना भी नहीं मार सकता कि वो मर जाए। धीरे धीरे तोड़ना होगा उसे। धीरे धीरे से मतलब? दो तीन दिन। लेकिन अभी अभी तो आप खुद कह रहे थे कि वो हर रोज एक होस्टेज को मारने की बात कर रहा है। हाँ, लेकिन क्या करें, उसकी डिमांड को तो नहीं मान सकते। कैसे नहीं मान सकते? सर, अगर देशु इस कैंप से अपने पैरों पे चल के बाहर निकल गया तो ये सारा इलाका इस टास्क फोर्स को सीरियसली लेना बंद कर देगा। और अगर एक भी होस्टेज को कुछ हुआ तो ये पूरा स्टेट इस गवर्नमेंट को सीरियसली लेना बंद कर देगा। होस्टेज की परवाह हमें भी है। सॉरी सॉरी, लेकिन सर बात यह है कि हम दुर्गा के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। नजदीक तो आप पहले भी कई बार थे। 34 कमांडोज मारे जा चुके हैं इस ऑपरेशन में, और वो सिर्फ नजदीक पहुंचने में नहीं गए। तो फिर आप क्या चाहते हैं? 2-3 दिन और बस। और होस्टेजेस? नेगोशिएशंस में खींच लेते। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। चट्टन है काय देख रहा है? क्या औरत छोरे लुगाई है तेरी साला? क्यों रे, बहुत कांप रही है तू? अरे दिखा रही है। अरे वाली, जल्दी खाना लगा, आग लग रही से पेट में। आग तो तेरी मुरैना के नाचने वाली से लगी, रोटी वोटी से ना बुझे। वाली, उसकी छोड़ अपनी सुना, तेरी आग तो नहीं बुझती दिख रही मुझे। चौधरी तेरी ओर देखता भी नहीं, तू ही फिरे उसके पीछे पीछे। तो तू देख ले। ये बात है चाची, खाना कम पड़ गया दिखे चौधरी को। जिस दिन कम पड़े ना तो तेरा कलेजा निकाल के दे दूंगी, समझा? अरे तो देर क्यों कर। गोलू आना इधर, आ इधर, आ कुछ नहीं करूंगा।
आना कुछ नहीं, आने देना इसको। अरे आना कुछ, आजा बैठ। ये अपना लाल टोपी वाला तमंचा मेरे मत्थे पर रखना, लगा लगा रखना, रखना कुछ नहीं होगा, रखना। हाँ ऐसे अब यहीं रुके रहना। ये मौत मौत पाट दे, इल्ला मत, लगा 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 ना। हाँ आराम से। हाँ अब ये तू कोड़ा दबाओ, मुझे मार डाल, मार ना मार ना। हाँ अब मेरी बारी। अरे दोबारा देख उनका पटी पड़ी है। सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। मैं सरकार की तरफ से आप सबको भरोसा दिलाता हूँ कि जल्दी से जल्दी सारे होस्टेजेस सही सलामत अपने घर पर होंगे। सर इसका मतलब गवर्नमेंट देशु को छोड़ रही है? मैंने ये नहीं कहा कि किसी को छोड़ रहे हैं, मैंने कहा कि सिचुएशन कंट्रोल में है, चिंता करने की कोई बात नहीं। हमने सुना है कि दुर्गा नारायण ने साफ कहा है कि अगर उसका आदमी नहीं छोड़ा गया तो हर रोज एक होस्टेज को मारना शुरू कर देगा। वो सब हम संभाल लेंगे क्योंकि होस्टेजेस की सेफ्टी हमारा प्राइम कंसर्न है। नाम क्या तेरा? अनु। दुर्गा, दुर्गा नारायण चौधरी। सुना ही होगा। चौधरी चौकस। अगला है क्या तू? है बोल दिया करके सिपाही आ रहा हूं मैं, किसी दिन लड़ जाएगा मेरे हाथ। चौधरी बहुत बुरी खबर है चौधरी। और हम चौधरी पुलिस से एक आदमी दाब लिया तो को। किसे? गोरी बिल्ली को उड़ा देते, खबर सारी दुनिया में फैल जाएगी। खबर क्या उम्मीद डालेगा तू? सिर्फ देशु को छुड़ाना है। भैंस की रेल बना दो। कौन भैंस? अरे वो चश्मे वाले की लुगाई। नहीं नहीं बहुत भारी है, आते वक्त तो उसे घसीट घसीट के लाए थे, उसकी लाश को उठा उठाए कौन फिरेगा? वो बच्चे को मार देते हैं। नहीं नहीं बच्चे को नहीं, बच्चे का एक फायदा है, ले जाने में आसानी होगी। नहीं नहीं जी, क्या कर रहे हो? चल 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 चल
टास्क फोर्स दफ्तर के बगल में गड्ढा है ना, वो पीपल की जड़ मां। अरे जहां बीएसएफ के 3 जवान मारे थे। हाँ, वहीं मार के फेंक दियो। सुन, जंगल में मारी पीपल की जड़ में सिर्फ सर रखना, असर ज्यादा पड़ेगा। मैं जाऊं। बेटे इतना भारी काम ना है चौधरी। मैं क्यों, तू दिन भर बैठ के काटता रहेगा मां के टने? अरे साला मारना छोड़। सुन, गुलेरपुर नजदीक है ना। हाँ। क्यों? चावल कम पड़ेंगे, थोड़ा ले आना, लोग ज्यादा हैं। चल साले, ए सिप्पा फोड़ा, चलो। सर, सर मेरा नाम सिद्धू है सर। सर मेरी दोस्त अनु उस वैन में थी। ओह, क्या आप बता सकते हैं क्या हो रहा है? पुलिस कार्रवाई कर रही है सर, लेकिन कोई कुछ नहीं बता रहा है क्या हो रहा है सर। यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं दुर्गा नारायण ने धमकी दी है। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो देखना हमारा काम है। लेकिन बाकी लोग सर? मैंने तुमसे कहा ना किसी को कुछ नहीं होगा। चिल्ला रही है। अरे साली यार छोड़। अरे सिर्फ दबाएगा कि जीतेगा भी यार। अबे तू अंदाज दिखाई नहीं दे रहा, कैसे जीत रहा हूँ उसमें? अरे कितनी दूर और ले जाएगा? अरे साले थक गया है तो मेरे गोद में आजा लल्ले। ओए रुको, चौकी नेड़े आ गई है, ये जगह भी सही है, यही काट लेते हैं। मैं मारूंगा पहले। अबे इससे छाड़ी ना कटे, देख मैं मारता हूं। ये भोथरा देखा, धार देखिए इसकी, कटेगा कुछ? हड्डी सख्त है, एक चटक में ना जावे। हलाल करना ठीक रहेगा ताकि गर्दन साफ सुथरी कटे। अब ये कारीगरी दिखाने का टाइम नहीं है, हमारा असल काम है उनको संदेशा भेजना। सुन सिपा, तू इसकी मुंडी खींच और तू फोड़ा इसका धड़ खींच, जैसे खींचता मैं बीच में से दाड़ मारता। मखना रबर ना है, गर्दन है गर्दन। इसको साली को ऐसा पत्थर पर फेंकना कि इसका सर अपने आप। ये देखो साला, देखो ज्ञानी, अटका देने से मुंडी गई तो बचेगा क्या है? थनथन गोपाल संदेशा क्या नाई से भिजवाएगा? अबे चुप साली, एक तो सोच सोच के दिमाग की पहले ऐसे तैसी हुई और ये ऊपर से टाए 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 लगा। सुनो, टेटुआ दबा देते हैं ताकि हिलेगी डुलेगी नहीं, आराम से बैठ काटेंगे और दर्द भी नहीं होगा। अबे टेटुआ दबाने से दीदे बाहर आ जाएंगे, मुंडी देख के दया नहीं चाहिए, चौधरी बोले है कि असर पड़े। अच्छा सुन, तू इसकी मुंडी उस पत्थर पर रख, देख देख कैसे काटता हूं मैं। उठाना रखना, आप जो भी करो, मेरा तो काम पूरा। गुरिया जी गुरिया जी, मेरा दिल चुरा के ले जा। क्यों डरा है? डर किस बात का है? तुझे कुछ नहीं होगा, समझी? समझ गई? शहर की है ना सदमा बैठ गया दिखा है। चौधरी आजकल बहुत पिघलता दिखे। गोरिया रे गोरिया रे, मेरा दिल चुरा के ले जा। टन टड़क ढिन टन टड़क ढिन टन टड़क ढिन ढा। गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा। टन टड़क ढिन टन टड़क ढिन टन टड़क ढिन ढा। गोरिया रे मेरा चैन चुरा के ले जा। टन टड़क ढिन टन। रुके क्यों चौधरी, मुझे शर्म सी आ रही। दुरो, गा।
गोरिया रे गोरिया रे मेरी नींद चुरा के ले जा, तन तनक धिन तन तनक धिन तन तनक धिन धा। दुर्गा कब क्या करता है ये कोई नहीं बोल सकता। अभी 2 साल पहले 2 टूरिस्ट को पकड़ा, पुलिस डर गया, पता नहीं क्या होता, तो उनको खिलाया पिलाया, 2 महीना रखा मेहमान बनाकर, बाद में छोड़ दिया। अच्छा हाँ, और वैसे एक जर्नलिस्ट बाद में दुर्गा तक पहुंचा, उसका इंटरव्यू छापा। अयो जहाँ पुलिस नहीं पहुंच सकता वहाँ रिपोर्टर पहुंचा, सबको लगा वो रिपोर्टर उसका दोस्त बन गया, तो एक दिन उसका सर काट के भेज दिया। दोराय अच्छी खबर नहीं दे सकता तो कम से कम मुंह तो बंद रख। अयो सॉरी सॉरी। हमने मारा है, हमने मारा है उसे। अरे तुम क्या मारोगे, तुमसे तो मच्छर भी नहीं मरेगा। मार। और क्या कर सकते हो तुम लोग, हिजड़े सारे। देखो आज एक सर आया है, और कितने सर चाहते हो, हाँ छोड़ क्यों नहीं देते उसे। छोड़ने का मतलब समझते हो तुम, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि वो वहाँ फंसे हुए हैं और आप लोग यहाँ आगे पीछे परेड कर रहे हैं। किसी एक को छोड़ने का मतलब कि वो जंगल में नहीं तुम्हारे घर के अंदर घुस के तुम्हें मारेगा, समझे। मारेंगे तो मारेंगे, अभी कौन सा छोड़ा है हमें। देखो जिस बात की तुम्हें समझ नहीं उसके बीच में मत पड़ो। क्यों ना पड़ू, आपका कोई नहीं मर रहा है वहाँ। हमारा कोई नहीं मर रहा वहाँ, हमारा कोई नहीं मर रहा। जानते हो जानवर को पकड़ने में हमारे कितने आदमी मारे गए। तो आप अपनी जिद के पीछे लोगों को मरवाते रहेंगे जब तक आपका जी करेगा। हम मरवाते रहे तुम्हारे दिमाग तो क्या है। मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया कि देसु को फौरन छोड़ दिया जाए। खबरी आया है, लगा कुछ खास खबर है। चौधरी देसु मरी। देसु मरी असरकार की ताप। What's happening now? तूने ना पेंट कर दिया है। देसु आजाद, सरकार की मार। What did he say? इसका मतलब ये लोग हमें भी छोड़ देंगे? अब मुझे क्या पता? लगता है अब इस नाक से निकल पाएंगे। हे मखड़ा, लाथर्रा, जिंदा, मस्ते। पतली कमर चिकना बदन तिरछी नजर है, मस्ती भरी तेरी बाली उम्र है। पतली कमर चिकना बदन तिरछी नजर है, मस्ती भरी तेरी बाली उम्र है। कुंबिया बा ये कुंबिया शो, ये कुंबिया बा 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 रे कुंबिया शो, ये कुंबिया बा ये कुंबिया शो, ये कुंबिया बा 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 रे कुंबिया शो। जिया मेरा धड़क धड़क जाए रे, अरे सोना तो ही भड़क भड़क जाए रे। हाय रे जान मेरी तड़प तड़प जाए रे, जरा सी प्यास बुझा दे आजा मेरी जान आँखों में। लाज का सुरमा होंठों पे गुलों की लाली, आँखों में लाज का सुरमा होंठों पे गुलों की लाली। देख मेरी
सुमिया तेरा यार इधर है, आग लगे दिल में बड़ा प्यास जिगर है, जरा सा झुमका हिला जरा सा ठुमका लगा, ये काली जुल्फ हटा नखरे ना दिखा, जरा सा झुमका हिला जरा सा ठुमका लगा, ये काली जुल्फ हटा नखरे ना दिखा। तुझो पल खाए हमें आए बड़ा मजा, तुझो लहराए रानी छाए कोई नशा, रंग है तेरा जादू ही, रंग है तेरा जादू ही, हम पे दीवानी ऐसा जादू न चला, पतली कमर चिकना बदन तिरछी नजर है, मस्ती भरी तेरी बाली उम्र है, पतली कमर चिकना बदन तिरछी नजर है, मस्ती भरी तेरी बाली उम्र है, जाबा ये कुंबिया शो, ये कुंबिया बा 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 बा, रे कुंबिया शो, कुंबिया शो, ये कुंबिया बा 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 बा, ये कुंबिया शो, शो शो शो, ये कुंबिया बा 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 बा, रे कुंबिया शो। चटक बदन जले रे, हरे हरे हमें लगा ले तू गले रे, कहे को दूर खड़ी है पास आजर, जा रे जा छोड़ दे पीछा ऐसे तो डाल न दाने, जा रे जा छोड़ दे पीछा ऐसे तो डाल न दाने, जाने देना जुल्मी मेरा प्यार उधर है, कितने दिनों से नजर मोड़ के न जाओ, ऐसे में अकेले हमें छोड़ के न जाओ, ये जवानी हुई हुई छूना मुझे मैं छुई मुई, दूर से तू देख मगर हाथ ना लगा, पतली कमर चिकना बदन तिरछी नजर है, मस्ती भरी तेरी बाली उम्र है, पतली कमर चिकना बदन तिरछी नजर है, मस्ती भरी तेरी बाली उम्र है, चिकना बदन तिरछी नजर है, मस्ती भरी तेरी बाली उम्र है, पतली कमर चिकना बदन तिरछी नजर है, मस्ती भरी तेरी बाली उम्र है, पतली कमर चिकना बदन तिरछी नजर है, मस्ती भरी तेरी। बतेरी मस्ती झाड़ ली, अभी पुलिस ही आ जाते तो।
मार मारी पुलिस ये ने बतेरी चौधरी शिवराज मिले ना तो उसका गला काट कच्चे चवाजी बहुत मारा देसु को सबर सिप्पे सबर देखेंगे हरामी को ये आ तो गया ना जिंदा बरातियों को भेजने का इंतजाम कर ए पूरा खाना ये मिठा तो ठीक अरे ओ क्या आई एम इन लाइन मैन आई एम इन लाइन है छोड़ क्या सारा दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का है दादा दिमाग ले चल ले चल चलो चल ए चल हट चल क्या हो रहा है इन सुसरे पुलिसियों का भरोसा ना मुझे दूसरे डेरे पहुंचने तक इनमें से एक को दाब के रखते हैं दिखाई दे रही है अनु कहाँ है दोरा अनु को कुछ हुआ क्या हाँ मेरी अनु कहाँ है उन लोगों ने उसे वहीं रोक लिया सिद्ध वापस आओ Relax. Can't do no way, Sultan Jungle man. Huh?
कहां ढूंढोगे तुम उसे? नमस्ते आंटी, मैं आप लोगों के साथ वहां रिजॉर्ट में था। अनु, अनु का कुछ पता चला? अभी कुछ नहीं सर, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, मेरी बेटी अकेली उन जानवरों के बीच में है, आप कुछ कीजिए ना प्लीज। सर, वी आर डूइंग एवरीथिंग वी कैन, everything. लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरी समझ में नहीं आता, जब आपको पता है वो उस जंगल में है तो। सिद्धू जंगल 6000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, कहाँ ढूंढेंगे हम उसे? इतने सारे पुलिस वाले एक आदमी को नहीं पकड़ सकते? सर, पकड़ सकते हैं, अगर पता हो कि आदमी कहाँ है। 300 गांव है जंगल के आसपास, उसमें कौन हमारे आदमी है कौन उनके आदमी है ये कोई नहीं जानता। हम बाद में निकलते हैं, लेकिन हमारी आने की इन्फॉर्मेशन उन्हें पहले मिलती है। तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं? किसने कहा हम कुछ नहीं कर रहे हैं? अभी भी जंगल में अलग अलग हिस्सों में ऑपरेशन चल रहे हैं, हमारे आदमी गांव-गांव में पूछताछ कर रहे हैं, हमारी टीम 10 या 12 जगहों पर हर रोज रेड भी करती है। हो सकता है कल मिले, एक महीने बाद मिले, एक साल बाद मिले, दैट्स द सिचुएशन। तुम्हारा मतलब है मेरी बच्ची तब तक उन्हीं के पास रहेगी? प्लीज मेरी बच्ची को बचा लो, प्लीज मेरी बेटी को वापस ले, प्लीज मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो। बात सुन, लौंडिया की दावली चौधरी, समझना आई बात? चौधरी की किसे समझ में आई है? पता नहीं के पकड़ा खोपड़ी में चौधरी। क्यों है? अरे रो वे क्यों है? कुछ कमी है तुझे यहां? जो चाहिए बोल, ला के दूंगा। मरी बोलते क्यों नहीं? टसुए भाजे बंद करो ना, चुप हो, चुप आराम करो, चुप। अब क्या आवाज निकाली तो गला काट दूंगा साली तेरा। संभाल उसे। मत रो, मुझे भी कुटाई करने में बहुत मजा आता है।
अनु वहां उन जानवरों के बीच में अकेली है और मैं यहां कुछ नहीं कर पा रहा हूं, कुछ नहीं, बस हाथ पे हाथ रख के बैठा हूं। लेकिन करूं भी क्या मैं, कहां जाऊं, कहां ढूंढूं उसे, इस जंगल में किस तरफ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उस पुलिस वाले की बातों से लग रहा था कि मैं अनु के बचने की उम्मीद छोड़ दूं। कैसे छोड़ दूंगा उसके लिए अनु, कुछ नहीं, पागल हो रहा मैं, दोहरा पागल हो रहा हूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद मैं कुछ कर सकता। क्या दोहराए, दुर्गा को जानता मैं, उसको जो लोग गन सप्लाई करता उनमें से एक मैं। दोहराए तुम होश में तो हो, क्या कह रहे हो तुम? मैं वही कह रहा हूं जो तुम सुना, लेकिन मेरे को गलत मत समझो, मैं अपना मर्जी से नहीं करता, करना पड़ता है, अपना जान का कातिल। तो तुम पुलिस को क्यों नहीं बताते? हाँ कुछ फायदा नहीं, पुलिस 50-100 आदमी लेकर जंगल में जाता है, लेकिन 50 मील पहले दुर्गा को पता चल जाता, पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकता। मैं पहुंच सकता क्योंकि दुर्गा चाहता, अगर वो नहीं चाहता तो भगवान का बाप भी उस तक नहीं पहुंच सकता। मेरे को बुला है, मिलेगा, मैं बात करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, अनु को छोड़ दो, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। पागल हो गया तू, तू दुर्गा का सामने जाएगा, तेरे को वो मार देगा। मारेगा तो मारने दे, यहां बैठने से अच्छा है वही मरूं। तेरा मर जाने से वो अनु को छोड़ेगा क्या? मैं कोशिश करेगा, तेरा बात करेगा, अगर वो नहीं माना तो मैं बहुत कोशिश करेगा। जंगल में रुकी है और एक आदमी को सामान डिलीवर किया है। ओवर। गुड पंकज, सावधानी से उसका पीछा करना, मुझे पूरा यकीन है वो दुर्गा के पास ही जा रहा होगा। एंड लिसन, जब तक मैं ना पहुंचूं अटैक मत करना। आई सेड डोंट अटैक, मैं रीइंफोर्समेंट लेके आ रहा हूं। कीप इनफॉर्मिंग मी अबाउट योर पोजीशन, ओके? एंड बी केयरफुल। ओके सर। ओवर एंड आउट। Come on, move!
बदराती तेरी फट गई। चल 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 अभी चल। चौधरी मद्रासी। आओ भाई मद्रासी, सुना बहुत पैसे पीट रहा होटल में। मैं छोटा आदमी, बस पेट भरता। सुसरे तेरा पेट भी तो 10 गांव के बराबर है। बस चौधरी साहब कर मेहरबानी। मेहरबानी या फिर डंडा। साला मद्रासी। मेहरबानी। चल अब दुड़की हो जा, अगले हफ्ते खबर भेज देंगे। अरे जाता क्यों नहीं? चौधरी साहब मैं छोटा सा बात बोलना मांगता। वो बच्ची आप रखा, आप सोच समझ कर रखा, आपका फैसला मैं समझता। एक लड़का, अच्छा लड़का मेरे पहचान का, तो बच्चा और बच्ची अगला महीना शादी होना, तो आपका आशीर्वाद मिल जाता। ओ मद्रासी, गोली बंदूक लाते लाते सिफारिश भी लाने लगा, तेरी जान की सिफारिश कौन लागा? चल दबाओ। दुर्गा चौकस। सिद्धू सिद्धू सिद्धू। मैं वही हूं जिसके बारे में ये बात कर रहा है। मैं नहीं जानता आपने अनु को यहां क्यों रखा है। देखिए आपको किसी की जरूरत हो तो आप मुझे रख लीजिए, मैं रहूंगा आपके साथ जब तक आप चाहे, मैं रहूंगा आपके साथ। लेकिन प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरी अनु को छोड़ दीजिए, मैं बहुत प्यार करता हूं इसे, प्लीज। तू लेके आया इसे यहां जिंदा, लौंडिया को लेके जा। प्लीज छोड़ दीजिए मेरी अनु को, प्लीज छोड़ दीजिए अनु को। चल प्लीज अनु थोड़ा और अनु, मैं मर जाऊंगी। वो हमारा पीछा कर रहे हैं अनु, प्लीज थोड़ा और। ये चुप जाते हैं सिद्धू। चल चल
टाइगर रंच। क्या हुआ सर? यही कहीं होंगे, निशान ढूंढो। ढूंढ के चौधरी करना के उनका पुलिस के पास रेड हो पाया, पीछे फौज आती होगी। निकल लो यहां से। मैंने कही ढूंढ। तेरे जैसे डरपोक लोगों के वजह से ही एक मामूली सा चोर इतना बड़ा राक्षस बन चुका है। उससे पहले तुझे ही गोली मार देनी चाहिए। कहां गए वो लोग? कहां गए वो लोग? काट कर। यस सर। पड़ी इसको अस्पताल ले जाओ। राइट सर। और तुम लोग चलो मेरे साथ। कमांड क्विक। सर क्या हम पकड़ पाएंगे उसे? क्योंकि सर इसके हिसाब से तो काफी वक्त हो गया उसे निकले हुए। वो सब मुझे नहीं मालूम, पर इतना जरूर मालूम है कि लड़का ठीक ही बोल रहा था। हिजड़े हैं हम लोग। मैंने तो सिर्फ बोला था कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो अकेला यहाँ पहुंचकर उस लड़की को छुड़ा कर ले गया। अब उन दोनों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। सब 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 मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता। सब सब मैं सिद्धू अनु को हिफाजत से देखना चाहता। सब मेरे को लगता है मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकता। तू हमारी मदद क्या करेगा? तो उनसे भी बड़ा कमीना है। सब अब सच बोल मैं जो भी है, लेकिन आपका दो दुश्मन है सब, दुर्गा और ये जंगल सब। और मैं जंगल अच्छी तरह से जानता। दुर्गा को इस जंगल में ढूंढना मुश्किल सब। मेरे को ले चलो सब। ये दोगला है सर, इसका भरोसा करना ठीक नहीं है। भरोसे का सवाल ही नहीं राना। अगर पलटी मारी तो खोपड़ी का तरबूज बना दूंगा, समझे? चलो चल। अनु रो मत अनु, प्लीज वो सुन लेंगे अनु, प्लीज। हम निकल आए ना वहां से, हाँ सब ठीक हो जाएगा। प्लीज रो मत, अब हमें सिर्फ यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना है। मुझे मैं हूँ ना तेरे साथ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे पास हो। से तुम क्या कह रही हो अनु? तुम इतने जंगल से तुम मुझ पे भरोसा है ना? हाँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। निकलेंगे यहाँ से, ढूंढेंगे रास्ता। ओके रोमन, ओके चल। कोई आवाज नहीं आ रही। अब तक तो भाग गए होंगे साले। मेरे पे कौन था? मैं था चौधरी। सोरे कर क्या रहा था वहां? मेरी आंख लग गई थी चौधरी। मेरी आंख लग गई, आदमी मरा गया। मुझे माफ कर दे चौधरी। अब चमक आंख लगा साले, पूर्त तक नहीं लगा। मुझे माफ कर दे चौधरी। चौधरी छोड़ दे, माफ कर दे। तुझे लेता हूं उसके बदले। उस तरफ चलो चौधरी। इसका क्या करें? दोनों पैर टूटे हैं। सपा
गला काटते हैं। चलो तू क्या ताक रहे हो, चलो। मुझे माफ कर दे चौधरी, बोला ना मैं क्या कर सकता हूँ। तू मेरे भाई जैसे ना। हाँ मुझे मालूम है, मुझे माफ कर। ऐसा कुछ नहीं, तू हिलडुल मत, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। मुझे मत पास, मैं अभी आराम से रुक ना, रुक ना यार। पूरे एरिया को आग लगा देते हैं सर, अपने आप बाहर निकलेंगे साले। और राणा शट अप, वही बात करो जो मुमकिन हो। आवाज नहीं, आवाज नहीं, उसके जानवर के कान है। सर वो ये जानवर का निशान नहीं सर। दुर्गा का आदमी सब। किस तरह का जानवर है वो? चलो चलो, क्या हुआ? ओह माय गॉड, सिद्धू बता। सिद्धू काटा है, काटा। छोटा सा है अनु, एक मिनट रुक। हाँ लेकिन सिद्धू, सिद्धू देखो बहुत दुख रहा है। अनु तू इतनी हिलेगी तो कैसे निकालूंगा मैं? सीधी खड़ी रह। एक पैर पे कैसे कैसे सीधे खड़े रह सकता कोई? तुम भी ना, और बस डांटो मत मुझे अब। तू इतना नखरा करेगी तो एक घंटा भी हो सकता है। सीधी खड़ी रह, सीधी खड़ी रह, सीधी खड़ी रह। पता नहीं कब से निकाले जा रहे हो, खुद के पैर में लगता ना तो पता चलता। पता नहीं बाहर निकाल रहे हो और अंदर घुसा रहे हो। एक काटा भी नहीं निकाल सकते तुम भी ना सिर्फ। चल सब, वो पहाड़ दिख रहा है। हाँ तो सब ऊपर से जंगल दिखेगा किस तरफ फैला हुआ है। सिद्धू भी वही सोचेगा, हम भी वहीं चले तो। राणा जी कम ऑन। जिंदा को काट के इतना ठीक लगा तुझे? और नहीं तो क्या, जिंदे की गलती पुलिस को डेरे तक ले आई। सो रहा था पैरे पे साला, आंख ही लग गई थी ना, जो चाका चाका सो रहा है उसका क्या?
मतबल हम किसी धाबे पे जा रहे हैं कि लूट पे जा रहे हैं? बावड़ी हो गई है, तू आंख फूट रही है तेरी। बावड़ा हो रहा है चौधरी, लौंडिया के पीछे हम। बंदर वही होंगे। तेरा चौधरी बना कोई नहीं पकड़ सकता, जंगल में छिपके बड़ा बहादुर बनता है। वो नहीं मिलेगा। क्या हुआ? वो देखो क्या है वो, बाज जैसा लगता है। कि कितना डरावना है ना, और हमारी तरफ क्यों देख रहा है? पूछूं उसे। पगली से तो हम जा कर रहे हैं पिज्जा पार्लर ढूंढने। क्या जंगल के बाहर अनु और कहां? पर तुम्हें कैसे मालूम कि हम जंगल से बाहर ही जा रहे हैं? हो सकते हैं हम और अंदर जा रहे हो। वो पहाड़ है ना, उसके ऊपर चढ़ते हैं, वहां से शायद पता चलेगा किस तरफ जाना है। ऊंचाई देखी उस पहाड़ की तुमने? अनु दूर से सब पहाड़ ऊंचे लगते हैं। छोटे लगते हैं दूर से सारे पहाड़ से, तो कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऊंचे छोटे क्या फर्क पड़ता है, चढ़ना तो है ही ना हमें। नहीं चढ़ सकते मैं, और एक कदम भी नहीं चल सकती। वैसे तो तुम पहाड़ चढ़ने की बात कर रहे हो, मैं नहीं चढ़ सकती, नहीं चढ़ सकती, और मैं नहीं चढ़ सकती। तोड़ के जाएंगे अनु, तेरे पास और कोई आइडिया है तो बोल, या तो हम वेट करें यहाँ मरने के लिए। अनु I'm sorry, हमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना। धीरे धीरे चढ़ेंगे, थक गए तो थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर चढ़ना शुरू करेंगे। सिद्धू अगर हम यहां से कभी निकल ही नहीं पाए तो यहीं पर रह जाएंगे क्या? वैसे देखा जाए तो ये जगह इतनी बुरी भी नहीं, खूबसूरत पेड़,
लहराती घास, क्या क्या नहीं है यहाँ। ताजन और जेन की तरह यहीं पे रह जाएंगे। पागल हो तुम, एकदम पागल। सिद्धू, मुझे
उसे बहुत प्यास लगी है। बहुत प्यास लगी है, मैं जाके देखता हूँ, शायद यहीं कहीं पानी मिल जाए। मैं भी चलती हूँ। अनु तुम बहुत थक गई हो, बैठ जाओ वहां, बैठ जाओ। ओके। अभी आता हूँ मैं। डरोगी तो नहीं? सिद्धू जल्दी आना, मार्केट जा रहा हूँ। क्या ढूंढना तो पड़ेगा। नहीं जाएगा। लेकिन कब से तू? थोड़ी देर और रुकते हैं। तेसु कहे कि तू लौंडिया के पीछे है, पागल है साला। मैं बोली उसे कि
भाग गए तो बस पकड़ना है तो पकड़ना है, इसका दूसरा मतलब क्या हुए? हरामजादा, कुछ भी पके। भोरे, कल तड़के ही घाट पे निकलेंगे सारे अलग अलग, जिसे भी छोरा छोरी दिखे हाँक मार दे। जा पानी लेके आ, मुंह मत तक है पानी लेके आ। अरे अभी शिवराज साहब को कौन समझाएगा? मैं समझता हूं कि अब तक उन दोनों को दुर्गा मार चुका होगा या तो फिर कोई जंगली जानवर। बेकार में भटक रहे हैं, सिर्फ जूता घिसाई हो रही है और कुछ नहीं। लड़का है, कुछ ना कुछ कर ही लेगा। क्या होशियार है, क्या करेगा? पहली बार तो दोनों करीब से जंगल को देख रहे हैं। क्या लगता है तुम्हें, जिंदा होंगे दोनों? शायद नहीं, पर अगर हम अभी तलाशी बंद कर देगा और वो जिंदा हुआ, जंगल में उसको हमारा जरूरत पड़ा तो साहब, क्या बाकी जिंदगी हम चैन से जी पाएगा? वो तेरा यार कहाँ है? है? बता ना। है वो? लड़का ली। बात करी। बुदक बुदक। ले 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 मैं नहीं बुदकता। बुदक बुदक बुदक। म्याऊ म्याऊ। कितने कच्चे तुलवाएगी हैं? अरे साला सोचे थे कि 1000 आदमियों को छपाक से एक ही सांस में मारेगा सुपा। हैं? साली आधी जिंदगी तो तेरी तरफ पकड़ में निकल गई। हैं? वो कहाँ है? अरे वो तेरा मिटका कहाँ है जो उसकी टरी टर सुनाई नहीं दे रही? ये बुला ना उसको, अपनी बोली बुला ना उसको।
मैं इतना बाबड़ी भूच लगता हूँ। पानी 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 जो सब तेरा करा कराया है चौधरी। के मतबल? मतबल तू खूब जाने। तेरे सामने कोई बोलता नहीं तो इसका मतलब तू एक एक की बलि ले लेगा। उस लौंडे के पीछे तने एक एक आदमी की ऐसी तेजी। जबान बंद करो देशो। परसों वो लौंडा मारा गया, आपको मारा गया।
क्या हुआ? सिद्ध देखो क्या हुआ?
उठा साले को।